Hey, what's up guys? Hi, this is Akshay and you're watching STK Vlogs. Welcome to another video. Shri Samartha Shivtargarh क्यों आए? इसका reason आपको इस video में मैं बताने वाला हूँ. उससे पहले अगर आप इस channel पर नए हैं और ऐसे ही informative video देखना चाहते हैं तो इस channel को subscribe करें और इस video को like और share करें. आप जो ये left में नदी देख रहे हैं ये काल नदी है और अभी time हो चुका है 4:20. अभी मैं अपने नेटिव प्लेस से निकल चुका हूँ और ये जो लोकेशन है वो लगभग 30 मिनट के डिस्टेंस पर है. मैं आपसे आगे बात करता हूँ. शिवतरगढ़ ये लोकेशन बोरमहार रोड पर सह्याद्री के वरण घाट में है. ये यहाँ का एंट्री गेट है. ऐसा माना जाता है कि यहीं पर मराठों के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री समर्थ रामदास स्वामी जी के बीच पहली मुलाकात हुई थी. शिवतरगढ़ को सुंदरमठ के नाम से भी जाना जाता है. इस गुफा के सामने मानसून में एक झरना गिरता है जो कि बहुत खूबसूरत है. श्री समर्थ रामदास यहाँ करीब करीब 22 साल तक रहे और इस कालावधि में उन्होंने दासबोध जैसे पवित्र ग्रंथ को उनके शिष्य कल्याण स्वामी से लिखवाया. इतिहास के अनुसार शिवतरगढ़ ये जगह जावली के क्षेत्र में आती है और इस क्षेत्र पर चंद्रराव मोरे का राज था और ये आदिल शाह के सेवा में थे. श्री समर्थ रामदास स्वामी यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो चंद्रराव और जावली के लोगों को स्वराज्य में शामिल कर सके और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को उचित मार्गदर्शन कर सके. इसी के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जावली पे 1656 में हमला किया और जीत लिया. ये जगह श्री समर्थ रामदास स्वामी जी के पावन स्पर्श से पवित्र हो गई है और इसी जगह पर दासबोध जैसे पवित्र ग्रंथ का जन्म हुआ था. इसके लिए इसे दासबोध जन्मभूमि भी कहा जाता है. तो दोस्तों, आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए. उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी. अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय जय रघुवीर समर्थ.